Yay. Oh my god. Wow. Woo. Down. Oh. Oh. Oh, man, chun. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्कॉर्पियन है। आई होप सब बढ़िया हैं, सब घर पर हैं, सब सेफ हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूं आप सबको थैंक यू बोलकर फॉर द सपोर्ट दैट यू हैव यू गाइस हैव शोन टू मी। लाइक मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे इस वीडियो के ऊपर आप लोग इतना ज़्यादा प्यार मेरे को शो करोगे। मेरे को मतलब सपनों में भी नहीं था कि मेरा वीडियो जो है वो 1K को टच कर सकता है, और ये वीडियो तो बहुत ही बढ़िया कर गया हुआ है। 1.7K को भी इसने क्रॉस कर दिया हुआ है। मेरा जो गोल था वीडियो का वो था 50 लाइक्स का, बिकॉज मेरे को मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मतलब मेरी अभी चैनल इतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी इस चैनल की कि मैं 50 लाइक्स क्रॉस कर सकता हूँ। मगर आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैंने उस मार्क को क्रॉस किया और 100 प्लस भी क्रॉस कर दिया है। सो गाइस, दोबारा बोलना चाहता हूँ, मेरे दिल से मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द लव एंड सपोर्ट दैट यू हैव शोन टूवर्ड्स मी। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में मतलब जो PS5 का रिव्यू वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि अगर मेरा ये वीडियो जो है वो 50 लाइक का मार्क क्रॉस करता है तो आई विल शेयर माय स्टोरी दैट कि मेरे को मेरा PS5 मिला कैसे था। सो गाइस, ये वीडियो उसी से रिलेटेड है कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी स्टोरी क्या थी कि मेरे को मेरा PS5 कैसे मिला था। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फिल्मी सिनेरियो था कि मेरे को मेरा PS5 कैसे मिला था। कहते हैं ना कि जिस चीज़ को आप दिल से चाहो तो सारी कायनात उसको पाने में आपकी मदद करती है। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता था, मगर बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं PS5 के बारे में दिन भर रात भर उसी के बारे में सोचता था और वो मेरे को मिल गया। सो गाइस, ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए, ज़्यादा ज्ञानबाजी ना करते हुए आप लोगों के साथ अपना सिनेरियो शेयर करने वाला हूँ मैं। सो गाइस, हुआ ये था कि PS5 जो है वो सोनी ने रिवील किया था पिछले साल समर में। मेरे को भी पूरा याद नहीं है, समर के करीब PS5 शेयर किया था कि सोनी ने कि हाँ भाई रिवील किया था उन्होंने कि आने वाला है। उसके बाद नवंबर में उसकी उन्होंने हमें बता दी कि नवंबर में PS5 जो है वो रेडी हो जाएगा, मतलब अवेलेबल हो जाएगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो मुझे यही लगा था कि नवंबर में इंडिया में भी, नवंबर में लाइक वर्ल्ड लॉन्च के साथ इंडिया में भी आ जाएगा। सो मैंने क्या किया, मैंने अपना PS5 जो था, सॉरी PS4 प्रो था मेरे पास PS5 से पहले, उसको मैंने अक्टूबर के करीब उसको मैंने बेच दिया। ठीक है, सो मतलब मैंने इसलिए बेचा था ताकि जैसे ही PS5 का प्री ऑर्डर स्टार्ट होगा मैं उसको उसी टाइम ऑर्डर कर सकूँ, क्योंकि मेरे को पता था कि 50,000 के करीब लगभग वो आएगा, 40 से 50 के बीच में आएगा। तो जितना जल्दी हो सके मैं उतना अपना PS4 Pro बेच दूँ, मेरे को अच्छी प्राइस मिल जाए ताकि मेरे को थोड़े कम पैसे डालने पड़े और मेरा PS5 आ जाए। सो मैंने अक्टूबर के करीब बेच दिया। उसके बाद ये न्यूज़ आई कि PS5 जो है वो इंडिया में लॉन्च नहीं होगा नवंबर में, बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, इन बड़ी कॉरपोरेशन की नज़र में लाइक सोनी, माइक्रोसॉफ्ट एंड एल्स, इन लोगों की नज़र में हम लोग इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, जो कि एक रियलिटी भी है। इंडिया में इतने लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ये कौनसोल को, ज़्यादा लोग PC गेमिंग को प्रेफर करते हैं। सो मेरा थोड़ा दिल टूट गया कि अब देखो ना, मेरे पास कोई गेमिंग कौनसोल था नहीं क्योंकि मैंने अपना PS4 Pro बेच दिया था, PS5 नवंबर में इंडिया में आया नहीं। सो मैं थोड़ा खज्जल फील कर रहा था, थोड़ा मैं फील कर रहा था कि लेट डाउन हो गया था थोड़ा मैं, कि अब मेरे से क्या होगा, मेरे पास तो कौनसोल ही नहीं है गेमिंग करने के लिए। सो गाइज, उसके बाद नवंबर निकाला, दिसंबर में भी यही न्यूज़ आई कि इंडिया में नहीं आ रहा है। फिर दिसंबर एंडिंग में न्यूज़ आई कि PS5 जो है वो उसका प्री ऑर्डर जो है वो इंडिया में 12 जनवरी के करीब स्टार्ट होगा, जो कि सोनी इंडिया ने खुद बताया हमें अपने ट्विटर हैंडल, अपने इंस्टाग्राम हैंडल, हर जगह उन्होंने पोस्ट किया कि 12 जनवरी को उसका प्री ऑर्डर स्टार्ट होगा 12 PM पे। सो उन्होंने अपने पार्टनर्स बता दिए लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल एंड सोनी का जो अपना एक्सक्लूसिव शोरूम है शॉप एट SC, वो सब बता दिया उन्होंने कि यहाँ यहाँ पे अवेलेबल होगा PS5। सो सारे जितने भी PS5 को में इंटरेस्टेड थे लोग सब खुश हो गए कि हाँ भाई आने वाला है। लेकिन दूसरी साइड पे हम लोग देख रहे थे कि ग्लोबली जो है PS5 की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही थी हर जगह, मतलब PS5 कम, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिल रहा था लोगों को, जो कि अभी भी सेम चीज़ है, अभी भी PS5 लोगों को नहीं मिल रहा है, बिकॉज जो मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड है इस कॉन्सोल की कि अभी भी बड़ा मुश्किल है इसको मिलना। सो 12 जनवरी को होना था, तो मैं आई वॉज रियली एक्साइटेड कि हाँ भाई मैं खरीद लूँगा पूरी, मतलब मैंने अपने सोचा था कि कोशिश करूँगा। बाकी मैंने मेरे मन में ये था कि कितनी ही ज़्यादा डिमांड हो सकती है PS5 की, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग ले लेंगे प्री ऑर्डर कर लेंगे, 3,000, 4,000।
सो गाइस वो दिन आ गया, 12 जनवरी का वो दिन आ गया जिस दिन प्री ऑर्डर होना था। मैं अपने फ़ोन पे और लैपटॉप पे और अपने एक दोस्त को अपने साथ बैठा के हमने 3 की 4 ब्राउज़र खोल के रखे हुए थे, एक जगह फ्लिपकार्ट, एक जगह अमेजन, एक जगह क्रोमा, एक जगह शॉप एड एससी, एक जगह रिलायंस डिजिटल। और साथ में ऑन कॉल मेरे साथ मेरे भैया थे जिन्होंने भी PS5 लेना था। तो हमने ट्राई करना स्टार्ट किया जैसे ही 12 बजे, तो हम पड़ गए साइट्स के ऊपर प्री ऑर्डर करने के लिए। सो लकीली मेरे जो भैया थे उनको 11:58 पे ही फ्लिपकार्ट से उनका PS5 कॉन्सोल जो है वो सिक्योर हो गया, मतलब उनका ऑर्डर कंफर्म हो गया। लेकिन मैंने जब फ्लिपकार्ट खोला तो वहाँ पे कुछ आया ही नहीं, मतलब मेरी तो वेबसाइट ही नहीं ओपन हुई, वेबसाइट वॉज क्रैश्ड। ठीक है, सेम विद अमेजोन, अमेजोन भी क्रैश हो चुकी हुई थी, शॉप एड एससी भी क्रैश हो चुकी हुई थी। तो मैं घबरा गया कि भाई मेरे को क्या, मेरा क्या होगा, मैं तो खज्जल हो गया। तो उसने मेरे को, मेरे भैया का, भैया ने मेरे को बोला कि रिलायंस रिलायंस डिजिटल ट्राई कर, वहाँ पर अभी भी मिल रहा है। सो मैंने जल्दी जल्दी रिलायंस डिजिटल खोला तो वहाँ पर देखा मैंने कि मेरा PS5 मिल रहा है, तो मैंने जल्दी जल्दी ऑर्डर कर दिया। तकरीबन 12:02 के करीब मेरा, 12:02 की 12:03 के करीब मेरा जो है वो PS5 ऑर्डर कंफर्म हो गया। मेरे को कंफर्मेशन मेल भी आ गई, कंफर्मेशन SMS भी आ गया, सब कुछ आ गया। सो मेरे को थोड़ा दिलासा हो गया कि हाँ भाई मेरा कॉन्सोल जो है कंफर्म हो गया, अब मेरे को कॉन्सोल मिल जाएगा। सोनी ने ये प्लान किया था कि 12 जनवरी को वो प्री ऑर्डर करेंगे 12 बजे, और 2 जनवरी के, 2 फरवरी के बाद वो डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। सो मेरा ऑर्डर कंफर्म कंफर्म था, भैया का भी ऑर्डर कंफर्म था। मेरे को बड़ा रिलीफ मिल गया कि हाँ भैया मेरे को PS5 मिलने वाला है। हुआ ये कि वो दिन निकल गया। तो अगले दिन जब नेक्स्ट डे था, लाइक 13 जनवरी, तो मैं रिपोर्ट्स देख रहा था जितने मैंने PS5 के ग्रुप ज्वाइन किए हुए थे, या सोशल मीडिया हैंडल्स देख रहा था, या सोनी की ऑफिशियल साइट देख रहा था। वहाँ पे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि जिन लोगों ने रिलायंस डिजिटल से ऑर्डर किया, जहाँ से मैंने किया था ऑर्डर, उन लोगों के ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। मतलब रिलायंस उनको बोल रहा है कि आपका ऑर्डर ऑर्डर कैंसिल हो गया है। ऑर्डर कैंसिल करने के बदले वो उनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं, वाउचर वगैरह दे रहे हैं। मैं घबरा गया कि मेरा भी ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। गाइज लिटरली मेरे को रात को नींद आना बंद हो गई कि भाई ये हो गया क्या, पैसे इन्होंने ले लिए, अब कह रहे हैं ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि मेरे को पता था कि अगर इन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो पता नहीं मेरे को PS5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी मारामारी चल रही है, वो मिल ही नहीं रहा कहीं पे। मैं हर दिन क्या किया, मैंने हर दिन रिलायंस डिजिटल वालों को कॉल किया कि भाई मेरा ऑर्डर है ना आप लोगों के पास, मेरा ऑर्डर है ना आप लोगों के पास। तो वो हर दिन बोलते थे नहीं सर आपका ऑर्डर बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन मैं वही हर दिन देखता था रिपोर्ट्स, लोगों को भी ये बोला जाता था कि आपका ऑर्डर कंफर्म है, आपका ऑर्डर कंफर्म है, फिर लोगों का ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया जाता था। ऐसे ऐसे दिन निकलते गए, मैं रोज़ एक दिन छोड़ के एक दिन उनको कॉल करता था। मुझे तो उनका अभी तक कस्टमर केयर का टाइम रूटीन याद है, सुबह शायद 9 से शाम को शायद 6 बजे था, मेरे को कंफर्म नहीं है इतना ही, इसी के लगभग मेरे को उनका टाइम रूटीन याद हो गया था। इवन उधर के जो एम्प्लॉइज थे उनको मेरा नाम तक याद हो गया था, मैंने उन लोगों को इतने कॉल किए। फिर आहिस्ता 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 करते करते टाइम निकलता गया, जब भी कॉल करता था वो यही बोलते थे कि आपका ऑर्डर कंफर्म है। तो मेरे को फिर थोड़ा सा दिलासा हो गया कि हाँ भाई अब मेरा ऑर्डर नहीं करेंगे कैंसिल। फिर एक रिपोर्ट आई कि जिन जिन लोगों ने 12:03 के बाद ऑर्डर किए हैं उनके ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, 12:03 तक जिन लोगों ने, उनके ऑर्डर कैंसिल नहीं हुए। दोबारा मेरे को दिलासा होगा कि हाँ भाई मेरा ऑर्डर सेफ है, मेरा ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ है। फिर वो दिन आ गया 2 जनवरी का, 2 फरवरी का, जिस दिन ऑर्डर की शिपमेंट स्टार्ट हो जानी थी। मैंने अपना ऑर्डर स्टेटस चेक किया, वो अभी भी दिखा रहा था कि ऑर्डर कंफर्म, चेंज नहीं हुआ था वहाँ से। और जिन लोगों ने अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह से किया था उनका उनका ऑर्डर शिपिंग स्टार्ट दिखा रहा था, और कुछ लोग ऐसे भी थे रिलायंस डिजिटल वाले जिनका ऑर्डर शिपिंग स्टार्ट कर गया था। मेरा ऑर्डर 2 फरवरी की सुबह तक भी जो है वो शिपिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, अभी तक सिर्फ ऑर्डर कन्फर्म लिखा रहा था। तो मेरे को दोबारा हार्ट अटैक आ गया कि हो क्या रहा है। फिर मैंने दोबारा 2 फरवरी को रिलायंस डिजिटल वालों को कॉल किया, उनको बोला कि मेरा ऑर्डर अभी भी कंफर्म दिखा रहा है, अभी भी दिखा रहा है शिपिंग। तो उन्होंने बोला सर कि आप घबराओ नहीं, शाम तक आपका ऑर्डर शिपिंग हो जाएगा। और 2 फरवरी का वो दिन था, 2 फरवरी को मेरा एक दोस्त है, बड़ा क्लोज दोस्त है, उसका बर्थडे होता है। हम लोग उसकी बर्थडे पार्टी में थे, अभी हम जिस रेस्टोरेंट में हमने खाना खाना था वहीं पर पहुंचे ही थे। मैंने जैसे ऑर्डर का स्टेटस चेक किया वहाँ पे आ गया ऑर्डर रेडी फॉर शिपमेंट। तो मेरे को बहुत रिलीफ मिला गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता उस टाइम जो मेरे को फीलिंग आई ना कि हाँ भाई ऑर्डर मेरा कंफर्म हो गया है। मेरे दोस्त का बर्थडे था और इंजॉयमेंट मेरी लेकिन तब स्टार्ट हुई जब मेरे को वहाँ पे दिखा दिया उन्होंने कि आपका ऑर्डर कन्फर्म हो गया, शिपमेंट के लिए तैयार है। मैंने वहाँ पर इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ज़्यादा स्ट्रगल स्टार्ट हुई, जो 12 जनवरी से 2 फरवरी तक का टाइम था वो इतना मुश्किल नहीं था जितना आगे वाला टाइम था। वो क्यों था वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हर दिन मैं रात को सोने से पहले यहाँ देखता रहता था कि मेरा ऑर्डर का स्टेटस क्या है, किधर पहुँचा है, क्या हुआ है। महाराष्ट्र से मेरा ऑर्डर निकला, हर दिन देखता था किधर पहुँचा किधर पहुँचा, ट्रैक करता था, कॉल करता था उनको, हाँ भाई मेरा ऑर्डर कहाँ है, ये है वो है वो है वो है वो है, वो है। उसका मेरे को उन्होंने एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट दिखा दी 8 फरवरी की। ठीक है, मैं हर दिन चेक करता था कि ऑर्डर कहाँ पे है, पूरा हर दिन पूरा देखता था कि आज यहाँ पे पहुँचा है, आज यहाँ पे पहुँचा है। महाराष्ट्र से पहले वो दिल्ली आया, दिल्ली से नोएडा, नोएडा से उसने लुधियाना गया, लुधियाना से उसने जम्मू आया। सो गाइस
मेरा कॉन्सोल जो है वो 5 फरवरी को जम्मू आ चुका था, उसको भी तो मार और दिया मैंने। जो डिलीवरी पार्टनर थे रिलायंस के वो थे डिलीवरी, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक डिलीवरी यूनिट है फोन में डिलीवरी साथ रहे वो, तो 5 फरवरी को मेरा तो मैंने कॉन्सोल जो था वो पीछे जम्मू आ पीछे चुका हुआ छोड़ था, छोड़ दी ब्लड मत। लेकिन तब भी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट वो जो है वो लोग दिखा रहे थे 8 फरवरी की। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्यों भाई कॉन्सोल कौन जम्मू से में आ गया, तो आप मतलब मेरी पुलिस आइटम जो है वो पुलिस जम्मू में भेज आ रहे गई थे हुई है, दो तो आप टाइम क्यों नहीं दे सकते मेरे को पहले? तो दे मैंने दिया डिलीवरी को कॉल किया, क्यों उनका उनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे को मिल नहीं रहा था, फिर मैंने डिलीवरी जम्मू को कॉल किया गूगल से नंबर निकाल के। भाई मेरे इससे को उनका आया ऑफिस का क्या पता चला कि कहाँ पे ऑफिस है, ठीक और है मेरे दोस्त थे भैया एक, उन्होंने भी मेरे को बताया कि उनका ऑफिस कहाँ पे है। मैंने पूरा माइंड बना लिया ठीक कि है मैं भाई सीधा ऐसे डिलीवरी करो के ना ऑफिस में जाऊँगा और सीधा उनको जाके बोलूँगा कि हाँ भाई मेरा कॉन्सल का है मेरे को दो, भाई सर ये तो आई हैव बड़ा मजा पेड आ फॉर गया इट भाई ऑलरेडी। मामा डोनर का। सो लिटरली मैं अपने घर से बाहर निकला, मैंने अपना अरे बाइक फक बाहर निकाला, उनके पेंशन ऑफिस जाने के ले लिए, और मेरे घर के बिल्कुल सामने एक डिलीवरी का भाई कोरियर बॉय आया हुआ था। सुनो मुझे लगा सुनो कि मेरा कॉन्सल लेके आए हैं, मगर मैंने देखा उनके पास बड़ा बैग था ही नहीं, क्योंकि कॉन्सल अगर लेके आता तो बड़े बैग में ही आता। तो मैंने उनके पास जाके पूछा कि भैया ऐसी सी बात है, आप यार कहाँ से आए, आपका ऑफिस कहाँ पे? उन्होंने मेरे को पूरा बताया यहाँ पे भैया आपका हमारा ऑफिस। आपका तो मैंने इंतजार उनको कर बताया रहे कि हैं भैया ऐसी सी बात है, आप मैंने एक सोचे आइटम भी मंगाई है जो कि आ चुकी हुई है लेकिन उसकी एकदम एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट 8 की है। तो अबे उन्होंने मेरे को बोला कोई अरे बात नहीं भैया, अगर सुनो आप ये बंदा ऑफिस आ में गया जाओगे मेरे तो पे, आपको मेरे दे को देंगे। लगा था ये तो मैंने उनसे ऐसे नंबर लिया, फ़ोन नंबर वगैरह लिया, दिखे ही नहीं रहा तो मैंने उनको कॉल किया जो सामने डिलीवरी वाला जम्मू का ऑफिस था, उन्होंने मेरे को सामने बोला वाला कि सर हम ऐसे नहीं दे सुनो सकते बंदा हैं बंदा आपको, बंदा खुद से जा जो रहे हो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है वो सुनो कंप्यूटर में होती है, सुनो कुछ यार वो बता रहे थे अपनी टेक्निकल बातें, रिजल्ट तो हम तुम्हारा आपको आ ऐसे गया नहीं दे ठीक सकते, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। तो मैं तो है बड़ा समझ गया फ्रस्ट्रेटेड हो प्रोसीजर गया, और समझ मैं गया बड़ा मैं आपके साथ चल रहा हूँ मैं ज़्यादा साथ शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी हूँ, मैंने बोला नहीं नहीं ऐसे कैसे हो समझ सकता, गया अगर समझ जम्मू गया हो गया तो आप दे क्यों नहीं अठारह सकते अठारह हैं, मैं आपके ऑफिस आऊँगा। पॉइंट तीन मैंने मन बना लिया कि मुझे नहीं और पता, ऑफिस में जाऊंगा उनके इस तरफ डिलीवरी इस के तरफ कंपाउंड इस में पे नहीं जाऊंगा, इधर और अगर कौंसिल बोला में उधर होगा तो मैं लेके आऊंगा जो मर्जी हो जाए। फिर मैं अपना बाइक लेके गया, मेरे साथ मेरे भैया गए, उनके साथ उनके बड़े भैया गए, हम तीनों गए, तीन हम उनके ऑफिस में पांच ही गए लोग हैं मेरे कंपाउंड साथ में गए, और जैसे ही मैंने कंपाउंड अरे एंटर किया सुनो लिटरली कॉन्सोल मेरे सामने पड़ा था, रिलायंस डिजिटल का एक कार्डबोर्ड था बहुत बड़ा, उसके अंदर PlayStation 5 था मेरा। रोड के मैंने पैसे उनको वापस रिक्वेस्ट की कि देखो यार मैं इतनी दूर से आया, मैं इतना शॉर्ट मैं इतना इंपेशेंट हो चुका हूँ, मेरे सामने चीज़ पड़ी, आप ऐसे कैसे मना कर सकते हो मेरे को कि नहीं देनी सर, 5 8 है तो 8 को ही देंगे। उन्होंने अपने बॉस को कॉल किया, और बॉस को उन्होंने बोला सर ऐसी सी बात है, कस्टमर हमारे सामने खड़ा है, क्या हम यार इनको सुनो कॉन्सोल ना दे के यार नहीं मेरी दे? एक बात सुनो तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने 2 मिनट मेरे को यार बोला एक कि बात रुको सुनो मेरे को वेट करो, आप लोग वेट करो, मैं पूछ के होता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है सर दे मेरी लो। एक बात सुनो जैसे ही उन्होंने ये बात बोली गाइस, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और मैं उछलने लग गया। मैंने फेस टू जाके फेस उस टू कौंसल फेस को टू फेस गले टू फेस लगाया, नेगोशिएट फेस उसको टू प्यार फेस लास्ट टाइम किया, क्या हुआ और बहुत ज़्यादा शुक्रिया किया उस डिलीवरी एजेंट, उस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने मतलब तो फिर अप्रूव उसके कर दिया बाद कि क्या हाँ हुआ मैं फिर कौनसा लेके जा सकता हूँ। अभी मैं वीडियो, इस जो पूछना वीडियो है यार वो पूरा, पूछना यार वो इस क्लिप मतलब के ये जो गेम प्ले इसके बाद उसी का वीडियो लगाऊंगा, आप देखना, मतलब एक्साइटमेंट देखना, मेरी शक्ल देखना ध्यान से, कैसे छोटे मजा बच्चे आ की रहा तरह है मैं मजा आ पागल रहा हो है गया मजा उसको आ रहा देख है के। आ रहा सो मजा गाइस आ रहा है लिटरली बड़ा एक्सट्रीम एक्सपीरियंस था, और आप देखिए ना स्टोरी देखिए, देखिए रिलायंस डिजिटल ने इतने सारे लोगों के कॉन्सोल जो है वो उनके प्री ऑर्डर कैंसिल कर दिए, मगर हाउ लकी आई वॉज कि मेरे को मेरा ऑर्डर मिल गया। सो एक ही चीज यही थी मेरी स्टोरी कि मेरे को मेरा PS5 कैसा कैसे मिला है। अभी वीडियो हाँ जो है वो मैं इसके बोला मेरे बाद सामने इस वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो क्लिप्स अबे डालने यार वाला एकदम हूँ, सिंगल फायर मोड पे आप ही भी है देखिए एक छोटे बच्चे की तरह मैं कैसे हंस रहा हूँ यार उस क्लिप में। अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया तो मजा आ प्लीज़ गया मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मेरे कंटेंट को लाइक कीजिए, और फीडबैक के तौर पर नीचे ठीक है कमेंट भाई करके सही मुझे सही बताइए सही कि मैं सही अपने आप को इम्प्रूव मजा आ कैसे कर गया सकता हूँ। थैंक यू सो मच, टेलीस्कोपियन आउट, और नो इसके बाद वो क्वेश्चन वीडियो प्ले होगा। इसके अंदर आप तो मैं घर बता दो पे भैया क्या हाल है, एनी वेयर क्या जी प्ले स्टेशन है यार इसके अंदर, अच्छा ये 7 साल के बाद आता है और अच्छा इसकी इतनी मारामारी चल रही है ना इसको लेने के लिए, लोगों को मिल ही नहीं रहा है। ये जो आया था ना 5 मिनट में सारा बिक गया था, तो बड़ी मुश्किल से मेरे को मिला है। जप्पा मार जप्पा। चलो पता है यार लड़का आपको फोन करेगा ना अगर, तो आपको एक आता ना उसका वो